कर सके, आदमी अपने मताधिकार का प्रयोग बिना गर्व है के करे, उसके लिए जो पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था होती है उसके बारे में मैंने आपको डिटेल बता दिया। इसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट भी है, स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी है, माइक्रो ऑब्जर्वर भी लगे हुए हैं, कुछ संवेदनशील भी घोषित किए गए हैं, कुछ अति संवेदनशील है, कुछ आपको क्रिटिकल बूथ भी है। तो उस तरह के हिसाब से हम लोगों ने सारी व्यवस्था की है। लगभग हर बूथ को 60% 65% के आसपास बूथ हम वेबकास्टिंग से कवर कर रहे हैं। 1200 की फिगर आपको दिया हुआ है इसमें, जहाँ पर वेबकास्टिंग हमारी हो रही है। इसके अलावा जो शेष बचे हुए बूथ हैं वहाँ पर वीडियो कैमरा अथवा वो उसमें जो है हमारे स्टैटिक कैमरे हैं वो सारे लगे हुए हैं, तो किसी प्रकार से कोई अराजक तो आकर के वोटिंग डिस्टर्ब ना कर सके, इसकी पूरी व्यवस्था है। आपको जानकारी है कि मतदान केंद्र से 100 मीटर का जो दायरा होता है उस पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित है, उसमें सिर्फ पीठासीन अधिकारी और जो लोग चुनाव ड्यूटी प्रक्रिया में लगे हुए हैं उन्हीं का अधिकार होता है उसमें। तो उनके लिए जो है उस एरिया को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, और 200 मीटर की जो दायरा है उसमें जो पॉलिटिकल पार्टी है वो लोग अपना अपना जो बस्ता है वो लगाते हैं, अपने मतदाताओं को अच्छी अच्छी जो भी इशू करना होता है वो करते हैं, परिणाम क्या होता है। दूसरी चीज़, कोई भी जैसे एक विषय आता है एजेंट का, इसके बारे में मैंने बड़ा स्पष्ट अपने ट्रेनिंग में जो पुलिस अधिकारी है सेक्टर मजिस्ट्रेट उनको ब्रीफ कर दिया है कि एजेंट का काम है सिर्फ वोटर की पहचान करना, और ऐसा स्थान उनको चिन्हित करके दिया जाए जहां पर कि वो वोटर का आसानी से पहचान कर सके, और अगर किसी वोट पे उनको आपत्ति है तो आपत्ति पीठासीन अधिकारी को कर सकते हैं। इसके अलावा एजेंट का कोई काम नहीं है। इसके अलावा अगर एजेंट कोई मतदान में डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा या देखने की कोशिश करेगा या बूथ के अंदर बार बार जागेगा तो उसके उस एजेंट के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। इसलिए एजेंटों के लिए भी बड़ा मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ कि जो कार्य उनको उनका है वो वही कार्य करें, उससे इतर हट करके कोई और काम ना करें, नहीं तो उनको फिर वहाँ से हटाने के लिए भी सेक्टर मजिस्ट्रेट और पीठासीन अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया गया। देखिए, चुनाव हमारे यहाँ जिले में कल होना है, चुनाव शांतिपूर्वक हो, निष्पक्ष हो, इसके लिए हमारी तरफ से सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, माइक्रो ऑब्जर्वर, जोनल मजिस्ट्रेट, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, उसके बाद सुपर सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, तो इस तरह से हमने 5 स्तरीय व्यवस्था है। एक तो स्टैटिक मजिस्ट्रेट हो गया, एक सेंट्रल मजिस्ट्रेट जो मोबाइल रहेगा, फिर एक उनका जोनल मजिस्ट्रेट, फिर एक उनके बाद उसके ऊपर SDMC, उसके ऊपर एक ADM और एडिशनल SP रैंक के अधिकारी, और फिर मैं और SSP साहब, तो 6 लेयर का पूरा सिस्टम है जो पूरे इलेक्शन को मैनेज करेंगे। वहाँ पर हर बूथ पर करीब 60-62% बूथों पर तो वेबकास्टिंग की व्यवस्था है, शेष जो हमारे बूथ बचे हैं उस पर कैमरे और जो कैमरा और वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है, तो 100% बूथ को हमने फोटोग्राफी से कवर किया हुआ है। इसके अलावा फोर्स पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे तैनात है। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए हम लोगों ने वहाँ पे जो मेन गेट है ज़्यादा भीड़ ना हो इसलिए एंट्रेंस और एग्जिट का अलग अलग किया हुआ है। मतदाताओं को विधिवत जो आयोग के आदेश है उसमें 12 विकल्पों को इस्तेमाल करते हुए वोट डालने की पूरी सुविधा है, हर विकल्प पर उनका फ़ोटो होता है इससे उनकी पहचान हो जाती है। बाकी शांतिपूर्वक मतदान हो, 100 मीटर के दायरे में किसी प्रकार से वो, चूँकि पीठासीन अधिकारी और पूरा जो चुनाव प्रक्रिया से जुड़े लोग हैं उनका क्षेत्र है, उससे बाहर ही कोई आदमी जा सकता है, और 200 मीटर के दायरे में ही पॉलिटिकल पार्टी अपनी पर्चियाँ और ये सब जो बस्ते लगाते हैं वो लगा सकते हैं। तो 100 मीटर का एरिया तो पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड है, और पूरी तरह से वो पीठासीन अधिकारी और उसके जो साथ जो लगी हुई निर्वाचन की टीम है जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल है वो सब उसमें आते हैं। कुल मिलाकर के शांतिपूर्वक और निष्पक्ष मतदान हो इसके लिए हम लोगों ने वोटर फ्रेंडली बूथ भी बनाए हैं। बूथ पर सारी सुविधाएं हैं, पानी की व्यवस्था, वोटरों के बैठने की व्यवस्था, वोटर को आराम से वहां पे जाए अगर भीड़ भाड़ ज़्यादा है तो वहां कुर्सी मेज की व्यवस्था हम कर रहे हैं। पिंक बूथ भी हम लोग बना रहे हैं, तो एक तरह से लोकतंत्र का जो ये महोत्सव है हम उसमें मतदाताओं को चुनाव वोट डालने के लिए आमंत्रित करते हैं, तो इसलिए हम उनका स्वागत करते हैं कि वो आए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। वहाँ पर आयोग की तरफ से सारी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन द्वारा की गई। सर, अभी आपने कहा है किसी भी तरह की ई रिक्शा उस क्षेत्र में नहीं चलने दी जाएगी, यदि कोई व्यक्ति अपने परिजन को या किसी को भी विकलांग व्यक्ति को वहाँ लेकर आएगा तो देखिए, इस बार दिव्यांग वोटर्स के लिए आयोग ने 2 तरह की व्यवस्था दी है। पहले तो उनको पोस्टल बैलेट की व्यवस्था 80 वर्ष से ऊपर और जो दिव्यांग वोटर हैं उनको व्यवस्था दी गई थी कि वो अपना पोस्टल बैलेट प्रयोग करें।
जिन्होंने पोस्टल वोटिंग बैलेट नहीं प्रयोग किया उन्होंने अपनी सहमति दी है, वो अपने निजी वाहन से आ सकते हैं। सिर्फ वोटर ढोने के लिए, वोटर ढोने के लिए किसी वाहन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मैं स्पष्ट कर रहा हूँ आपको, कोई ट्रैफिक बाधित नहीं हो रहा है, जो सामान्य मार्ग है। देखिए कल जनपद मुजफ्फरनगर में जो चुनाव है उसको लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा सभी प्रकार से तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। विभिन्न प्रकार की ड्यूटियां लगाई गई हैं जिसमें प्रत्येक पोलिंग सेंटर, पोलिंग केंद्र, पोलिंग बूथ पर हमारा पैरामिलिट्री फोर्स और सिविल फोर्स रहेगा। उसके अलावा जनपद में मोबाइल गाड़ियाँ मौजूद रहेंगी जो कि 9 से 10 अधिक लेयर्स में मौजूद हैं, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स भी रहेगा, सिविल फोर्स रहेगा और अलग अलग प्रकार की गाड़ियाँ मूवमेंट करेंगी। और वो इस प्रकार से मूवमेंट करेंगी कि किसी भी पोलिंग सेंटर पे प्रत्येक 3 से 4 मिनट में एक गाड़ी हमारी ज़रूर जाएगी पूरे दिन, सुबह 7 से लेकर शाम के 6 बजे तक, चेक करने के लिए कि वहाँ व्यवस्था क्या है। उसके साथ साथ उस पोलिंग केंद्र के आसपास के जो गांव हैं, मजरे हैं, वहाँ की जो गलियाँ हैं उनमें भी राउंडअप रहेंगी, सारी गाड़ियाँ उनको चेक करेंगी। लगातार हमारे द्वारा बार बार ये सभी नागरिकों को बताया गया है कि अपना वोट डालें, वोट डालना आपका अधिकार भी है और हमारा दायित्व भी है, लेकिन वोट डालने के बाद कहीं भीड़ इकट्ठी ना करें, कहीं पंचायत करने का प्रयास ना करें कि जिससे किसी वोटर को प्रभावित किया जा सके। अगर ऐसा कहीं भी किसी के द्वारा किया जाएगा तो उसमें तत्काल पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए उनको वहाँ से ले जाके थाने पर बैठाया जाएगा और बाद में उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। सर कल कितनी फोर्स तैनात की गई है? देखिए कल जनपद में पैरामिलिट्री फोर्स है, सिविल फोर्स है, 10 से अधिक लेयर की हमारी क्या कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर मोबाइल की गाड़ियां चल रही हैं और इन सब का सिर्फ एक ही प्रयास है कि किसी भी तरीके से शांतिपूर्ण चुनाव में विघ्न ना पड़े। सभी लोगों को, पब्लिक को, पुलिस को ये ब्रीफ किया गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपना वोट डालें और घर जाएं। कल अगर हमें कहीं भी ऐसा प्राप्त होता है कि कहीं कोई भीड़ इकट्ठी कर रहा है, समस्या कर रहा है, ज़बरदस्ती पोलिंग सेंटर के आसपास 100 मीटर के दायरे में या बाद में गांव में जाके भी वो लोगों को वोट डालने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत कठोरता से पुलिस के द्वारा कल उनके साथ निपटा जाएगा। और ढंग से पुलिस को ये ब्रीफ कर दिया गया है कि इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति अपने दिमाग में ये बात ना रखे कि वो किसी को इन्फ्लुएंस कर लेगा। सर कोई फर्जी मैसेज
देखिए जनपद के समस्त नागरिकों के से मैं अपील करना चाहूँगा कि इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपना दायित्व निभाएं, वोट डालें, अधिक से अधिक वोट डालें और उसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित करें कि कहीं कोई इस प्रकार की व्यवस्था में विघ्न ना डाल पाए। कोई है तो तत्काल आप उसी भी मोबाइल नंबर पे जो अधिकारी का है फ़ोन करके बता सकते हैं, आपके पास कोई नंबर याद नहीं रहता है 112 पे फ़ोन करके बता सकते हैं। अपने दायित्व निभाएं और ये सुनिश्चित करें कि अगर आपको कहीं भी लगता है कि कोई व्यक्ति कोई उठपटांग काम करने का प्रयास कर रहा है तो तत्काल पुलिस को बताएं। पुलिस के द्वारा इतनी व्यवस्था की गई है कि तत्काल उस व्यक्ति की बहुत अच्छे से खातिरदारी और इलाज किया जाए। सर कोई फर्जी मतदान करता पकड़ा जाएगा तो देखिए वोटर को ढोने वाला कोई भी यंत्र, कोई भी गाड़ी, चाहे वो ई रिक्शा हो या अन्य कोई भी हो, वो कल अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर कोई इस प्रकार का प्रयास करता है वोटरों को ढोने का तो उनको तत्काल गिरफ्तार भी किया जाएगा, उस व्हीकल को सीज भी किया जाएगा। सर कोई फर्जी मतदान करता पकड़ा जा रहा है, फर्जी मतदान करते हुए अगर रिकॉर्ड तो कर लिया यार सर, इस तरह की व्यवस्था की गई चुनाव को लेकर? देखिए चुनाव हमारे यहाँ जिले में कल होना है, चुनाव शांतिपूर्वक हो, निष्पक्ष हो, इसके लिए हमारी तरफ से सारी व्यवस्थाएं की गई है। सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, माइक्रो ऑब्जर्वर, जोनल मजिस्ट्रेट, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, उसके बाद सुपर सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, तो इस तरह से हमने 5 स्तरीय व्यवस्था है। एक तो स्टैटिक मजिस्ट्रेट हो गया, एक सेक्टर मजिस्ट्रेट जो मोबाइल रहेगा, फिर एक उनका जोनल मजिस्ट्रेट, फिर एक उनके बाद उसके ऊपर SDMC, उसके बाद एक ADM और एडिशनल SP रैंक के अधिकारी, और फिर मैं और SSP साहब, तो 6 लेयर का पूरा सिस्टम है जो पूरे इलेक्शन को मैनेज करेंगे। वहाँ पर हर बूथ पर करीब 60-62% बूथों पर तो वेबकास्टिंग की व्यवस्था है, शेष जो हमारे बूथ बचे हैं उस पर कैमरे और जो कैमरा और वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है। 100% बूथ को हमने फोटोग्राफी से कवर किया हुआ है। इसके अलावा फोर्स पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे तैनात है। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए हम लोगों ने वहाँ पे जो मेन गेट है ज़्यादा भीड़ ना हो इसलिए एंट्रेंस और एग्जिट का अलग अलग किया हुआ है। मतदाताओं को विधिवत जो आयोग के आदेश हैं उसमें 12 विकल्पों को इस्तेमाल करते हुए वोट डालने की पूरी सुविधा है। हर विकल्प पर उनका फोटो होता है, इससे उनकी पहचान हो जाती है। बाकी शांतिपूर्वक मतदान हो, 100 मीटर के दायरे में किसी प्रकार से, वो चूँकि पीठासीन अधिकारी और पूरा जो चुनाव प्रक्रिया से जुड़े लोग हैं उनका क्षेत्र है, उससे बाहर ही कोई आदमी जा सकता है और 200 मीटर के दायरे में भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी पर्चियां और ये सब जो बस्ते लगाते हैं वो लगा सकते हैं। तो 100 मीटर का एरिया तो पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड है और पूरी तरह से वो पीठासीन अधिकारी और उसके जो साथ जो लगी हुई निर्वाचन की टीम है जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल है वो सब उसमें आते हैं। कुल मिलाकर के शांतिपूर्वक और निष्पक्ष मतदान हो इसके लिए हम लोगों ने वोटर फ्रेंडली बूथ भी बनाए हैं। बूथ पर सारी सुविधाएं हैं, पानी की व्यवस्था, वोटरों के बैठने की व्यवस्था, वोटर को आराम से वहां पे जाए, अगर भीड़ भाड़ ज़्यादा है तो वहां कुर्सी मेज की व्यवस्था हम कर रहे हैं, पिंक बूथ भी हम लोग बना रहे हैं। तो एक तरह से लोकतंत्र का जो है महोत्सव है, हम उसमें मतदाताओं को चुनाव वोट डालने के लिए आमंत्रित करते हैं, इसलिए हम उनका स्वागत करते हैं कि वो आए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। एक सवाल, वहाँ पर आयोग की तरफ से सारी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी। सर अभी आपने कहा है किसी भी तरह की ई रिक्शा उस क्षेत्र में नहीं चलने दी जाएगी, यदि कोई व्यक्ति अपने परिजन को या किसी को भी विकलांग व्यक्ति को वहाँ लेकर आएगा तो कैसे? इस बार दिव्यांग वोटर्स के लिए आयोग ने 2 तरह की व्यवस्था दी है। पहले तो उनको पोस्टल बैलेट की व्यवस्था 80 वर्ष से ऊपर और जो दिव्यांग वोटर हैं उनको व्यवस्था दी गई थी कि वो अपना पोस्टल बैलेट प्रयोग करें। जिन्होंने पोस्टल बैलेट नहीं प्रयोग किया उन्होंने अपनी सहमति दी है, वो अपने निजी वाहन से आ सकते हैं। सिर्फ वोटर ढोने के लिए, वोटर ढोने के लिए किसी वाहन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, नहीं हो रहा है। जो सामान्य मार्ग है उस पर लोग आने जाने वाले आए जाएंगे, सिर्फ मतदाताओं को ढोने वाले जो काम है उस पर प्रतिबंध है और उसको कोई करता हुआ पाया जाएगा तो तुरंत वाहन को सीज करेंगे और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई। सर बूथ पे BLO की व्यवस्था भी की गई जो हाँ, बूथ पर BLO भी मौजूद रहता है, बूथ लोकेटर भी रहता है। इस बार कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए जो आशा और ANMs की ड्यूटी भी हम लोगों ने लगाई हुई है, तो बूथ पर BLO रहता है। अगर किसी मतदाता को कोई दिक्कत आती है तो BLO उसको गाइड करता है। थैंक यू।